बस करो सरपंच जी, बस करो, इतने पानी की क्या जरूरत है, है? और हमें तो पानी की बहुत जरूरत है एसडीओ साहब। देखिए, इस नहर का 75% पानी आपको मिल रहा है ना, उन बेचारों को भी कुछ लेने दो, 25% तो पानी बचा उनके पास। आपकी परसेंटेज हम बढ़ा देते हैं, आप उनकी घटा दो। एसडीओ, हमारी जमीन भी तो बहुत है ना, ढाई ढाई एकड़ जमीन आती है पल्ले में उनके। पर नहर के पास की जमीन आपकी है ना। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है ये हमारा काम नहीं करेगा, लगता है ये मसला आपको ही हल करना पड़ेगा। लो सरपंच साहब, हल करने के लिए कौन सा अलजबरे का सवाल है सरपंच साहब, एक तरीका है मेरे पास। अगर नहर का पानी चाहिए ना, तो नहर वाली जमीन का हल निकालो। क्यों हंसने वाली बातें करते हो सरपंच साहब, नहर वाली जमीन पता है किसके दम पर चलती है? चक्की कुएं वाले के। चक्की कुएं वाला। आपका स्वागत करती हूँ प्रोग्राम मेरा गांव मेरे खेत में। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं लुधियाना जिले के एक गांव बुल्लेवाल खुराक के एक सफल किसान जगजीत सिंह जी से, जो कि जैविक खेती में माहिर है। नमस्ते जगजीत सिंह जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते जी, सबको नमस्ते जी। मैडम जी, मैं ना कैमरे के आगे ना पहली बार आया हूँ, और इसमें मुझे शर्म आ रही है। आप जल्दी जल्दी सवाल पूछो जी, पूछना भी मेरी खेती के बारे में। ठीक है जगजीत सिंह जी, तो आप हमें ये बताइए, ये जो कद्दू का इतना बड़ा आकार है, इसका क्या कारण है? कद्दू को छोड़ो जी, आप मूली के बारे में पूछो। ठीक है जगजीत सिंह जी, आप हमें मूली की पैदावार के बारे में बताओ। आपने नाम तो पूछा ही नहीं मेरी मूली का जी, इसका नाम मिस रेडिश है जी। ठीक है जगजीत सिंह जी, आप हमें ये बताओ कि मिस रेडिश कैसे उगाई जाती है? नहीं, कैसे छोड़ो जी, आप ये पूछो क्यों उगाई जाती है। ठीक है, नहीं आप छोड़ो जी, मैं आपको खुद बताऊँ ये क्यों उगाई जाती है। ये देखो जी, मिस रेडिश ने छोटे छोटे किसान उगाते थे, मैंने सोचा अगर खेती करनी है तो थोड़ी सी आधुनिक की जाए। बिमला जी, हाँ जी, जैसे हम अपने बच्चों को प्यार से खाना खिलाते हैं और पालते हैं और वो जवान हो जाते हैं, ऐसे जी इनको प्यार से और बढ़िया खाद से पालना पड़ता है, तभी ये जवान हो जाती है। ठीक है, हाँ जी मैडम जी, हाँ जी। ये थे हमारे जगजीत। नहीं, नहीं, हमारी कद्दू वाली बात बीच में रह गई थी, वो आपने पहले पूछी थी मेरे से। नहीं, फिर कभी करेंगे, मेरे पास मूंगफली भी है। नहीं, नहीं, तो ये थे उनके भी साइज बड़े हैं जी, जिन्होंने हमें अपनी खेती के खोजों के बारे में बताया। नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। सफल किसान, मेरा गाँव मेरे खेत। चिट्टे दंद हसनो नहीं रेंदे, दिलों की पैड़े शक कर दे। ये सुनोगे साथी के का भड़कता होगा ना। वैसे रूप, लोग समझते हैं कि गाना सुनकर सिर्फ डांस ही बाहर निकलता है ना रूप, अरे इन बिचारों को क्या पता है दूध भी ऐसे निकलता है रूप। वैसे रूप करे, तुम्हारे नगरे आजकल ना फिल्मी स्टारों की जैसे बढ़ते जा रहे हैं, जो पंजाब में बिजली के हालात हैं, अरे तू तो दूध दिया करेगी, बुधवार के बुधवार बिजली आएगी, गाने बजेंगे, फिर रूप जी मिल्क प्रोड्यूस करेंगी। सवाल कोई मत पूछना, जिस गांव से तू आया है सेल्फ मार और उसी गांव को वापिस हो जा। शाबाश, चलो बेटा जी, ये सरकारी मंडी है, अरे तू कैसे रोक सकता मुझे यहाँ सब्जी बेचने से, हा? बड़ा आया पापा।
गोरखा लैंड सेंटर पॉइंट संभालेगी। तूने बाबा की गोबिया क्यों गिराई बे? ये क्या चीज है यार? सरपंच साहब का लड़का है, फौज में भर्ती होने गया था, टांगे घर ही छोड़ा आया। ओए, सरपंच ने इसे पैदा किया है या ऑर्डर पे बनवाया है? यही खड़े रहना, बुला के लाता हूँ तेरे बाप को। पहले तू तो खड़ा हो जा। जा, बुला के ले आ। ये क्या कर रहा है यार? आवाज नहीं लगा सकता था, डूब गया था ना। किसान भाई किसके लिए है? ये लो, अब सन बात भी लेनी पड़ेगी। हाँ जी, आप सुनाओ। मिल रहा है प्रोटीन? हो रही है मस्तियाँ? अरे ये कौन लग गया? ओ अच्छा, अरे ये तो मैंने ही ग्रोथ प्रोसेस में डाला था। ओ अब तो मैं इतना ही बड़ा है तू? तुझे बड़ा हो गया कद्दू बनना है कि नहीं बनना? या बना दूं तेरे में परौठे? डर गया। ऐसा करो, हाँ। तुम इधर से जाओ, हाँ। और मैं उसको पीछे से घेरता हूँ। ठीक है, चलो। बैगी दूर की तैयार ना बना के। जो मर्जी हो जाए, मैं नहीं जाऊंगा आज कहीं। अगर तू फौजी नहीं बना तो तू सारे गांव को छावनी बना दे लड़ लड़ के। यार तू जल्दी चल हमारे साथ। अरे लड़ाइयों में पढ़ के सफल किसान नहीं बना जाता। यार उन लोगों ने हमको बहुत मारा है, बेइज्जती भी की हमारी। और ये जग्गी का कुआ है, कोई जलालुद्दीन अकबर का आम दरबार नहीं है जहाँ मुल्ज़िमों की तकलीफें सुनी जाती हैं। सरपंच को थाने में ले जाकर रिपोर्ट लिखवाओ। अगर यही कुछ करना है तो खेती बाड़ी तो नहीं होगी मुझसे। यार बूढ़े बाबा की सब्जियां गिरा दी उन्होंने, तेरी सब्जी भी नहीं बिकने देंगे मंडी में। तो फिर मैं क्या करूँ? फिर तो सारे गांव ने एक ही सुर पकड़ा होता है। भाई जग्गी तो पागल है, भाई जग्गी तो हिल गया है। हिले हुए आदमी की बातों का क्या गुस्सा करता है? ओ जैसा तू मामला निपटाता है ना, वैसा बढ़िया तरीका पंचायत के पास हो भी नहीं सकता। ओए जग्गी, जो आज नहीं गए तो ये मामला बढ़ता ही जाएगा। कल वो मेरे मक्के के खेतों को काटेंगे, परसों तेरे खेतों से मूलियां उखाड़ देंगे। कर्जे ले लेके तो हमने अपनी फसलें उगाई है, उनको काटने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? फांसी लगा के मर जाएंगे यार अपने गाँव के किसान। बाजरा मिलेगा नहीं, जानवर भूखे मर जाएंगे। यार सोच, तेरे रूप और प्रीत का क्या होगा? अगर वहां पे लड़ाई हो गई तो फिर गांव की बात तो ठीक है, अगर मेरी लड़ाई वाली बात जलंधर दूरदर्शन तक पहुंच गई तो यार मेरा करियर तो ऐसे खत्म होगा जैसे गरीब की छत गिरती है बरसातों में। मैं नहीं जा सकता भाई। ठीक है फिर, या करियर बचा ले या गांव बचा ले। हाँ। निकालो, मैं करता हूं बात। याद रखना पापा, अगर ट्रैक्टर निकाला तो सारी उम्र घर से बाहर निकलने को तरसेगा, सोच लेना। दिया तो तूने धक्का यानी मैं अभी झगड़ा क्यों बढ़ा रहा है? तो ताए से माफी मांग ले, बात खत्म कर, निपटा देते हैं बात। हाँ, ऐसा करो कि नाक से पांच पांच लकीरें खींच, निपट गई बात। और सेवा बता। ये तो फिर झगड़ा निपटाने वाली बात ना हुई ना निम्मे। ओ फौजी, तू इस जग्गी को लाने की बात कर रहा था? तूने पहले भी तो मारा है ना इनको एक बार,
विमला मैडम का कहना है कि दवाई के दोहरे असर से छुपा हुआ कीड़ा तो मर जाता है, कभी कभी फसल का झाड़ भी मर जाता है। अरे भाई मत मार धक्के, वो आ जाएगा। कौन आ जाएगा? लो भी सफल किसान के अब हैंड्स अप है। अब गेम चलेगी लंबी, आखिरी बार संभाल लो। कुत्ता जितना बड़ा हो हड्डी उतनी ही डालनी चाहिए। ऐसे शर्माया मत कर, जब जरूरत होती है तो बुला लिया कर। अरे शर्माता कौन है भला, मैं तो तुमसे डरता हूँ भाई। मुझे तो लगा था कि तू सिर्फ डरपोक है, तू तो मेंटल भी है सरदार। पहले भी तो समझाया था पर कहां समझते हैं ये। पग मेरे वीर दी दुपट्टा भरजाई दा फटे मुंह जवाई दा। ये गाना गाने से गुस्सा चला जाता है? हाँ जी डॉक्टर मैडम, ये गाना गाने से अथरा चला जाता है। अथरा? हाँ जी, मैंने उसका नाम अथरा रखा है। ये अथरा कब से दिख रहा है तुम्हें? ये मैडम मैंने पांचवी में था जब मैं पहली बार देखा था, इतनी सी ऊंचाई होती थी उसकी। छोटी सी जूड़ी सिर पे, काले रंग का रुमाल। Bye.
पर स्वभाव से बड़ा खतरनाक था जी। ये अथरा जब आता है तो डर लगता है तुम्हें? अरे वो भूत थोड़ी है जो डर लगेगा मुझे। और सुनो, शरीर कांपता है जब वो आता है? आपको लगता है कि मुझे दौरे पड़ते हैं मैडम जी? अरे मैं बीमार थोड़ी हूँ। अरे जब मुझे गुस्सा आता है वो तब आता है मैडम जी। हाँ वो मेरी कभी घटिया सलाह लेके भी आ जाता है मैडम जी, पर मैं जल्दी बात नहीं मानता उसकी मैडम जी। आप ऑस्ट्रेलिया कैसे आए? यार मतलब मुझे जाना पड़ेगा। जाने का मतलब मेरा मामा है ना ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने स्पॉन्सरशिप भेजी है मुझे। यहाँ से सीधा जा रहा हूँ मैं ऑस्ट्रेलिया, जहाज से ऑस्ट्रेलिया। अरे उतर जा नीचे, क्या जल्दी पड़ी है तुझे जहाज चढ़ने की। अरे तू सच में जा रहा है बब्बू? I'm going। ठीक है भाई, बब्बू भी हमारे लिए शैम्पू लेके साल की साल आया करेंगे। बुला रखा है थाने में। एसएचओ साहब, ये आपके थाने में कोई कायदा कानून है कि नहीं? हमारे जवान लड़के मरते मरते बचे हैं, अभी पर्चा काटो इंस्पेक्टर साहब। पर्चा होगा और आज ही होगा, और होगा भी मोटा, और धारा लगेगी 307, 323, 324 और 326। पारसी भर्ती जब 307 लगती है तो 506 पक्की लगती होती है। वो ठीक है, थोड़ा धीरज रख, इतना उतावला क्यों हो रहा है? जितनी धाराओं का तुझको पता है ना, उससे भी ज्यादा ही लगाऊंगा। अरे सुनो जग्गी को तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा। पर्चा होगा तारे, भोला और बब्बू पर। हवलदार जी जनाब, डाल इनको अंदर। चलो भाई। पर सुनो, गांव के लोग जानते हैं इनको मैंने अकेले ने मारा है, पर चलो मुझ पे बनता है। बाबू जी तुम तो कहते थे कि जग्गी हिला हुआ है, जग्गी पागल है, ये तो बड़ा जिम्मेदार आदमी है। ये देख लो तुम सबके सामने यारों के वास्ते अंदर होना चाहता है। तुम ही बताओ तुम्हें किसने पीटा है? ये सब लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं। है आपके पास कोई मौके का गवाह? हाँ है, हम खुद हैं गवाह मौका वारदात के। तुम्हें क्या लगता है बे, पुलिस झूठ बोलती है? आपकी सारी बात समझ गया मैं थानेदार साहब। अब ये भी बता दो कि साफ सुथरी पुलिस की गवाही से मुकरने का क्या लोगे? तो फिर सुनो, सामने वाली पार्टी का फैसला है कि अगर तुम नहर वाली जमीन इनके लिए छोड़ दो तो राजीनामा हो सकता है। नहर वाली जमीन तो आप आधी ज्यादा पहले तबाह कर बैठे हो, अब बाकी भी छोड़ दे हम लोग क्या करेंगे? चुनाव बजाएंगे। तो ठीक है, फिर एक काम करो, तुम जमीन का मोल दे दो 1.5 करोड़। 1.5 करोड़? 1.5 करोड़? 1.5 करोड़ कुछ भी नहीं है, 1.5 करोड़ कोई बहुत ज्यादा है। आधे गांव की जमीन बिक जाएगी 1.5 करोड़ इकट्ठा करते करते। अरे सीधी सीधी बात करो थानेदार साहब, कहां से जमा करेंगे इतनी जल्दी 1.5 करोड़ रुपए? ना 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 ना, हम तुम्हारे साथ अन्याय थोड़ा करेंगे। तुमको 6 महीने का टाइम देते हैं। ओ ये बिल्कुल नाइंसाफी है, मैं ये बात कोर्ट तक लेकर जाऊंगा। सफल किसान, पूरे गांव में धू हो गई, पता तो अब चलेगा सिर्फ लड़ना आता है या फिर थोड़ा बहुत दिमाग भी है, और पुलिस तो कुछ भी रिपोर्ट बना सकती है। असली बात तो ये है कि जिसने उनको मारा हर जाना भी उन्हीं को भर। दोस्त दिखाया जाता है
नहर वाली जमीन के कागज लेकर 10 बजे से पहले आ जाना, नहीं तो मैं इन तीनों की पर्ची काट लूंगा। जग्गी भैया, रोटी लेकर आया हूँ, जल्दी से इसे खा लो। इसमें 480 रुपए हैं, मैंने स्कूल के नए बस्ते के लिए जमा किए थे। वैसे पुराना वाला बस्ता 6-7 महीने और चल जाएगा। तो बस्ता ले लेना। मेरे बाबूजी कहते हैं जग्गी जैसा बहादुर बेटा किस्मत वाले के घर ही पैदा होता है। मेरे बापू पता नहीं क्यों मुझे हमेशा गाली ही देते रहते हैं। मैं भी बड़ा होकर एक सफल किसान बनूंगा तुम्हारी तरह। ओहो, मैं तो घी लाना भूल ही गया, अभी लेकर आता हूँ। मुश्किल वक्त में ना उसने कभी सही फैसला लिया था और ना इसने लिया। एक गलती, उसके एक गलत फैसले का बोझ मैं
तक अपनी छाती पर ढो रहा हूँ। हार मैं भी ढो रहा हूँ, यही मौका है वो बोझ उतारने का। अरे वो फैसले हमेशा दिल से नहीं होते, दिमाग से भी होते हैं। पूछो इसको, अरे पूछो इसको, कौन लाएगा 1.5 करोड़ रुपया। छोड़ना पड़ेगा। अगर अपनों को छोड़कर अपनों का कुछ बनता हो तो सौदा बुरा नहीं। मैं बहुत समझदार तो नहीं होता है, पर इतनी बात तो जरूर जानता हूं, फैसले हमेशा दिल से होते हैं, दिमाग से तो व्यापार होता है। मामा जी मेरा गांव और मेरा खेत देखता हूँ और जी भर के मेहनत करता हूँ। बुले बुले बुले। लाओ भी चखाओ ऑस्ट्रेलिया वाले परांठों का स्वाद। हाँ खा। क्यों शेरी जी? Excuse me, it's shiny. इतनी तेज लड़की है भाई, इतनी शरारती है ये, कितना सताया इसने हमें रंग बिरंगी फिंड मार के। हाँ जी। फिंड? बॉल बेटा बॉल, खेलने वाली, सामानार्थक शब्द, हमारी संस्कृति समझ आई? जग्गी बेटा इसको क्या पता संस्कृति, अंग्रेजी आती है सिर्फ। वो भी गुड है ना, आपको हिंदी आती है, इसको अंग्रेजी आती है। अच्छा सुमेल है। What is smell? अब सुमेल बता इसे क्या होता है। कॉम्बिनेशन बेटा कॉम्बिनेशन, जैसे मामा के मूंछों के साथ कोट, मम्मी के सूट के साथ स्पोर्ट्स शूज और परांठों के साथ कोट। क्या बात ये लो बेटा। क्या लगता है शैनी जी? तेजा जी लग रहा है एक लड़का भेजना था आपके पास। निकली चक्की जी, but you don't think बातों बातों में तुम लेट हो रहे हो? It's your first day of the job, dude. मुश्किल काम है। तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने हैं 1.5 करोड़ रुपए कमाने के लिए। मुश्किल नहीं डॉक्टर मैडम, बहुत मुश्किल काम है। 5 महीने 10 दिन तो निकल ही गए। What? तुमने 5 महीने किया क्या? कैसा लगा? ठीक है जाम। आ जाते हैं पता नहीं कहाँ।
से काम धाम तो आता है नहीं, दूंगा एक चपट घुमा के। Stupid villager. तूने stupid? Yes, stupid. Villager? अपने आप को बड़ा ही सरदार समझता है। Ooh, yeah! Hey, it's जग्गी जी, आप पंजाब के इतने बड़े सफल किसान हैं, आपको वही काम करना चाहिए था, वो तो आपको अच्छे से आता है। वो भी तो किया था। फेंडा। अरे खेती। मैं 10 दिनों के लिए यूरोप टूर पे जा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मैं तेरे भरोसे फॉर्म छोड़ के जा सकता हूँ। विकी भाई, हाँ जी। पर एक बात का ख्याल रखना जी, ये ऑस्ट्रेलिया का वन ऑफ द राइजिंग फॉर्म है, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। हाँ जी। चलो, सी यू गाइस, एंजॉय। शुक्रिया भाई जॉब के लिए, गुड लक। सत श्री अकाल जी। आओ विकी भाई, बहुत सा सरप्राइज है आपके लिए। वो ये क्या डाल रहा है प्लांट्स को? भाई घर की खाद बनाई है मैंने, सूखे पत्ते, बची हुई चाय पत्ती, 5-7 कीज केंचुए, कच्चे अंडे और लस्सी। देखो महाराज, भाग खुल जाएंगे, ये देखो। हमारे पौधों के लिए जूस। जग्गी, वो बैग उठा और फर्टिलाइजर डाल, ऐसे ही डिस्ट्रॉय करेगा मेरे पौधे। बॉस, he know what he's doing. He is a genius. Let him try. Rosemary, I have done my degree from Agriculture University of Australia. So don't try to teach me. भाई तुमने पेड़ उगे हैं पक्का। मेरे परदादा जी भी यही खाद डाला करते थे खेतों में। मेरा गांव मेरे खेत की बहुत तारीफ की थी बिमला मैडम जी ने, यही खाद थी। तूने बहुत काम कर लिया, आउट नाउ। भाई मुझे यहाँ से मन निकालो, मेरा बहुत मन लगा है यहाँ पे। आई एम ऑल्सो अ फार्मर, डू हेल्प विद योर मन, योर दादा, योर परदादा और तेरा सारा गाँव, और भाड़ में जाए तेरा जलंधर दूरदर्शन। मैं तो दादा के बारे में ना सुनूं, और तू जलंधर दूरदर्शन को बुरा कह रहा है। और 20 दिन, ये तो बैंक लूट कर ही पूरा हो सकता है। ओ, धीरे बोलो मैडम जी, अगर कहीं अधिकार ने सुन लिया ना, फिर वो सीधा बैंक की तरफ निकल जाएगा। आप पैसों की फिक्र छोड़ो मैडम जी, बस अपना रिपोर्ट में ऐसा कुछ लिख दो कि पुलिस वाले कहें कि जग्गी अब बिना गुस्से के कहीं भी काम कर सकता है। जिस एंगर मैनेजमेंट रिपोर्ट के लिए कोर्ट ने आपको यहाँ भेजा है, हाँ जी, वो मामला मैं संभाल लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डोंट वरी, मैं अब जाऊँ जी। जी। ओहो, मेन बात तो भूल ही गया था मैं, वो जो जग्गी पागल है, वो जो बात बताई थी ना मैंने आपको, हाँ। वो लिख के ना फाइल में डाल देना, वो कोर्ट कचहरी में बहुत काम आती है मैडम जी। ओके। हाँ जी, थैंक यू जी। सी यू ऑन मंडे। ठीक है मैडम जी, चलता हूँ। सीना ट्राइंग टू रन द बॉल आउट। बहुत ही आंखें फाड़ फाड़ के देखने की जरूरत नहीं है मुझे, यहाँ की लड़कियाँ ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। ओ गवार, मुंह उठा के आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया है? तू तो पक्का इंडोनेशिया के थ्रू ही आया होगा बोट में बैठ के। बहन जी, 65,000 की टिकट आती है दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया की, अभी तक संभाल के रखी है मैंने घर पे। बटे को फिर आऊंगा मैं चेकअप के लिए, कहो तो तुम्हें दर्शन करवा दूं लाके। तेरे जैसे गवार तो सिनेमा की टिकट भी 2-2 साल संभाल के रखते हैं, प्लेन की टिकट तो तूने बैंक के लॉकर पे रखी होगी। ओह, पर बैंक का लॉकर तभी मिलेगा जब बैंक में अकाउंट होगा। ब्लडी $10 एन आवर वर्कर।
भाई कहाँ रुकती हैं बातें, कहाँ छिपी रहती हैं, धीरे धीरे पहुंच ही जाती हैं गांव। अरे उसने तीन सिर वाला बछड़ा दे दिया जो गांव में खबर पहुंच जाएगी। अरे एक बार मंत्रियों के जैसे बड़ा चढ़ा के मत बोला कर, मैं बहुत दुखी हूँ यार। जहाँ तक मुझे याद है वहाँ पे आसपास कोई भी इंसान नहीं था। क्या हुआ फिर अपनी अकड़ गांव में छोड़ा है? ओ इतनी बड़ी बात नहीं है भाई मेरे, 2-4% लड़कियाँ पागल होती हैं, वो उन्हीं में से थी। ओ 1-2% लड़के बुद्धू और मूर्ख भी होते हैं, और तू उन्हीं में से है। केस है डॉक्टर साहब, सोनी बाहर बैठी है। ओके मेरी बड़ी बहन की बेटी। बचपन से ही उसको एंगर प्रॉब्लम। अगर ऑस्ट्रेलिया में लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बहादुरी वाली बात है? $5 का तेरा टॉप है, $10 की तेरी घसी पिटी पैंट है जो फटी हुई है। अगर मैंने तेरी तरफ देख लिया तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट गया यार? तू भी मुझे देख ले, तेरी आंखों में काला मोती उतरा है। हमने काफी सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया, पर पिछले 1 साल से उसकी कंडीशन वर्स्ट हो गई है। चाहे इंडोनेशिया से, चाहे होनोलुलु से आऊं, तुम्हारा क्यों दिल दुख रहा है? ओके, जॉब करती है या स्टडी करती है? वो बच्चों को जूडो कराटे सिखाती है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, डोंट वरी, हमारे पास ज्यादातर डिस्टर्ब पेशेंट्स ही आते हैं, स्पेशली मैं। वैसे एक बात है डॉक्टर साहब, हमारी सोनी सेंसिटिव बहुत है। गुस्सा कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेस हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, हमने अपनी सोनी को 10 से 1 तक उल्टी गिनती गिनना सिखाया है। दैट्स वेरी गुड। अब आएगा मजा। पर डॉक्टर साहब वो बहुत जल्दी गिनती खत्म कर देते हैं। कॉमन प्रॉब्लम, आप चिंता ना करें, सोनी को अंदर बुलाइए। I'm sorry जकी, मैं इतना झूठ नहीं बोल सकती, अब तो कोर्ट जाना ही पड़ेगा। डॉक्टर टीना, वुड यू लाइक टू से समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट? यस योर ऑनर। कागज निकालो, उससे बात बन जाएगी। कीप क्वाइट। जैसा जगी तो पागल है, जगी तो हिला हुआ है, और हिले हुए आदमी की बातों पर क्यों गुस्सा करना देना? डॉक्टर, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन टू मी व्हाट ही इज सेइंग? यस योर ऑनर, ही इज सिंपली ट्राइंग टू से दैट आई एम अ मैड मैन एंड नोबडी शुड बी मैड एट मैड मैन। हंस रहे हैं जनाब, क्यों? ये तरीका काम करता है, मुझे पता है, मैंने आजमाया है। डॉक्टर प्लीज एक्सप्लेन दिस टू हिम। थैंक यू। क्या कह रहे हैं जज साहब, जकी से खुश हैं? जज ने आपको कम्युनिटी सर्विस की सजा दी है, तुम्हें वो जॉब करनी पड़ेगी जिसमें बच्चों से डील करनी पड़ती है, जिससे तुम्हारा सबर बढ़े, टू कंट्रोल योर एंगर। टीचर बनना पड़ेगा? आइसक्रीम बेचनी है। कुल्फी बेचनी है? अच्छा,
कम्युनिटी पनिशमेंट। तो जज ने तुझे कम्युनिटी पनिशमेंट दी है। तेरे जैसे मेरे ही बल्ले पड़ते हैं। चल ठीक है, मैं आइसक्रीम ट्रक तुझे देती हूँ। मंथली रेंट $1,000 लगेगा। दे सकता है? महीना तो पता नहीं निकलेगा या नहीं। अरे बोल। हाँ जी दे सकता हूँ जी। अरे बोलता क्यों नहीं? बोल रहा हूँ जी। बोल दिया। तुम लोगों की तो बस यही प्रॉब्लम है, ना हिंदी अच्छी तरह से समझ में आती है ना अंग्रेजी। हाँ जी पंगा तो है जी। चल कोई नहीं, सीख जाएगा। वैसे सीख के भी क्या करना है, मैंने क्या कर लिया। मैं बैठ जाऊँ आंटी जी? अरे बैठ, बैठने के लिए ही है। शुक्रिया जी। हाँ तो बेटा बात ये है कि ये ट्रक मेरे फादर इन लॉ के बाद मेरे हस्बैंड ने बहुत चलाया। हाँ जी। जो एक भी खरोच इसमें आ गई तो ठीक है जी। ठीक है आंटी जी। आंटी जी कोई और शर्त? हेलो आंटी जी, मुझे शर्त मंजूर है जी। मर गई, फिर कोर्ट जाना पड़ेगा। भाग ले जग्गी। अरे सबूत तो यही रह गया था। ओए! अगर जो घरों जा गई तो अपनी जेब से फाइन भरना पड़ेगा। हाँ जी, जी, जी। उस ब्रिज के पास फोटो के आगे चाबियां पड़ी है, उठा ले। अच्छा जी। वर्दी भी पड़ी है, वो भी पहननी पड़ती है। अच्छा जी। अरे हट साइड। सारे पैसे वापस कर दिए। उसके लोग रात को आए थे फिर से पैसे लेने के लिए। मामा जी हमें इतना डरने की जरूरत नहीं है किसी से। अरे यार तू चुप कर जग्गी, ये बाहर के मुल्कों के मसले ऐसे हल नहीं होते। तू अपनी पंजाब वाली यहाँ मत चला। हाँ तो मैं अगर ऑस्ट्रेलिया अगर भी यही कुछ है ना तो क्या फायदा ऑस्ट्रेलिया आने का। आओ हम रिपोर्ट करते हैं पुलिस को। अरे उस तेजा बदमाश ने धमकी दी है, अगर पुलिस के पास गए तो शाइनी को नहीं कर सकते। बेटा तो नहीं जानता उसको, वो माना हुआ बदमाश है शहर का। गली मोहल्ले के गुंडे नहीं है जो लोगों को धमकाते फिरे। I'm sorry भाई। बस तू ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़ा कर मेरे सामने। अबे मेरे आसपास पहले क्या कोई कम अंग्रेज है? जी करता है गोली मार दूं तुझे। बच्चे को उठा, बच्चे को क्यों नहीं उठा कर लाया? भाई साहब, भाई साहब इतना गुस्सा मत करो भाई साहब। आप जानते हैं गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है। आप चिंता मत करो, अगर डॉलर नहीं आया तो हम कुछ करेंगे। अरे बच्चे को उठा के लेके आएंगे ना। बकवास बंद कर, कॉपी चेंज कर। समझा? ये
जिसने पेशावर नहीं देखा। अच्छा किया नहीं देखा ना। ए जा, आज तुझे पठान बताएगा कि डाका कैसे डालते हैं। चाचा, मैं तो कहता हूँ आज का डाका पोस्टपोन कर देते। अंदर का माहौल मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अबे बदमाशों के अड्डों पे माहौल खराब ही होता है। हम किसी बवासीर के हकीम के पास दवाई लेने नहीं आए, जहाँ खामोशी होगी। चाचा जी, बवासीर के हकीम के पास किसी की आवाज नहीं निकलती। नहीं, सिर्फ सिसकियां निकलती हैं। सिसकियां, ये साली बीमारी ही ऐसी है कि आदमी आड़े टेढ़े मुंह तो बना सकता है पर शर्म से किसी को बता नहीं सकता। चाचा, आपको इस बीमारी के बारे में बहुत अच्छे से पता है। अबे बकवास बंद कर, कदे तुझे कोई शक है? जल्दी बेहोशी के गोले फेंको। अबे गधे, अबे बीच में क्यों आ गया? डाके में हड्डी। ओए, कौन है तू? और अंदर कैसे आ? प्रताप सिंह ट्रांसपोर्ट वाले से पैसे मांगने बंद कर दे। तू उसका मामा लगता है? वो मेरा मामा लगता है। देख, देख, मेरे गले का इलाज चल रहा है। देख, गले का इलाज हो जाएगा, टूटी हड्डियों का सिर्फ परहेज होता है। प्रताप सिंह के घर अगर तेरा कोई भी आदमी पैसे मांगने गया, ये तुम जो पैसे गिन रहे हो मैं ये भी ले जाऊंगा, जो अभी तक नहीं गिने मैं वो भी ले जाऊंगा। अरे जा, अरे समझ गया। आपने मुझे बुलाया जगी जी? मैं क्यों बुलाऊंगा तुझे यार? यहाँ पर कोई लड़ाई चल रही है जो मैं तुझे बुलाऊंगा? इतना बड़ा मत्थे पे काला टिक्का लगा रखा है, सारी गिनती भुला दी मेरी। इतना गुस्सा? बस थोड़ा चिल करो जगी जी। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 200 डॉलर को 200 बार गिनोगे तो 200 ही रहेंगे, बढ़ तो जाएंगे नहीं। ये मेरे डॉलर हैं यार, मैं इसको चाहे 1000 बार गिनूं। चला चलते हैं, यहाँ से 5 मिनट की ड्राइव है। अगर यहाँ से 1.5 करोड़ रुपया लेकर जाएंगे गाँव तो तेजा मर नहीं जाएगा। अरे इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा मूर्ख। अच्छा मैं मूर्ख हूँ? तू तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, तुम्हारे नाम पर तो लाइब्रेरी खुली है यहाँ पे। सारा दिन उल्टी सीधी स्कीमें बनाता रहता है बैठकर। मरता मर जाऊंगा, पाप की कमाई नहीं लेके जाऊंगा गाँव। वाह भाई, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, कहीं ब्लड कैंसर तो नहीं हो गया? तेजा ने पैसा निर्मा सर बेच के नहीं कमाया, लोगों का लहू निचोड़ के कमाया है। अरे जा यार, बाहर जाके कहीं घूम के आ, फ्रेश हवा में दिमाग भी तेरा फ्रेश हो जाएगा, गंद निकलेगा तेरे दिमाग से। हमें क्या है भाई, 7 दिन रह गए, उधर गांव वाले तेरी राह देख रहे होंगे, नहर भी जाएंगे, नहर वाली जमीन भी जाएगी। वैसे दिमाग चलना तो तेरा बंद हो गया, मैं तेरे को बोल दूं, फिर भी थोड़ी सी अकल चला। लोगों का पैसा है, लोगों को दे देंगे हम। बाकी भाई तुम्हारी मर्जी है, हम तो ऑलवेज खड़े हैं, जब भी खड़े हैं तेरे साथ। एक आवाज लगा देना, आ जाएंगे। हमारा क्या है, मर्जी है तुम्हारी। अच्छा मेरी बात सुन, जा यार। हाल है, चले जाते हैं। हेलो अंकल, टाइम से फोन किया करो, हमें सोना भी होता है। शरीफ फोन नीचे रख, डांट खानी है तूने? हाँ जी भाई, किससे बात करनी है आपको? We'll be right back.
जल्दी उतरो। ओए वो देख। चल भाई एक लीटर तेल डाल। जल्दी करो। अरे क्यों रे फौजी, आज भी तुम्हारा बाहर और तेल फिर भी ओनली लीटर है। ओए बंडल के बंडल, भर भर का डॉलर आ रहा है बाहर से। अब तो चाहो तो पेट्रोल पंप से कुएं तक सब पाइप डाल लो। बस की बात नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा था नकली सीडियों का कारोबार शुरू कर लेते हैं। अब तो पाकिस्तान में बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड को भी बहुत पसंद करते हैं। ऐसा ही नहीं कहते, जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ, जिसने पेशावर नहीं देखा। अरे खुदा के वास्ते चाचा जी, हम पाकिस्तानी है, लाहौर भी देखा है पेशावर भी देखा है, वो क्यों बार बार यही बात सुनाते रहते हो? बच्चे मैं तुझे सुनाता नहीं हूँ, मेरे मुँह से निकल जाता है क्योंकि मेरा तकिया गुलाम है। पठान चाचा का गैंग हौसला नहीं हारेगा, डायरेक्ट अंदर जाएगा। इसका मतलब है कोई पूरी प्लानिंग कर रहा है। ओए, ओ ये तो वही है जो कल आया था। जल्दी ढूंढो इस लड़के को, उम्र 26-27 साल, जो आइसक्रीम का ट्रक चलाता है। जल्दी जाओ। चाचा पड़ गए चोरों को मोर, अब चूस लो आम। बारे तकदीर, उगाई थी भिंडी और उग गए खीरे। चाचा मैंने तो आपको पहले ही कहा था, ये डाका वाका अपने बस की बात है नहीं। तो जो तेरे बस की बात है वो कर ले। ढूंढो पंजाबी लड़का जो कुल्फियां बेचता है। चलो दिन का मैं एक साल से इंतजार कर रही थी वो दिन आ गया। मैं एक जरूरी काम के लिए जा रही हूँ, वापस आ जाऊंगी, आप मेरी फिक्र ना करें। लॉन्ग फोर्ड मैं चलने वाली हूँ। मेरा यहाँ आने का मकसद पूरा हो गया है, मैंने टिकट करवा ली है, मेरे पास टाइम कम था। एक छोटा सा काम करके मैं इंडिया चला जाऊंगा, पंजाब पहुंचकर फोन करूंगा। आपका शुक्रिया, शाइनी को प्यार। नमस्कार जी, आपकी मंजिल यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, इतनी दूर तो मैं खुद कभी नहीं गई। समोसे खा लिए, ये गलत गाड़ियां पंचर कर दी। आपने इधर आना कि नहीं आना, नहीं तो पुलिस ने आ जाना यहाँ। जल्दी आओ। ओह माय गॉड, अभी बस रुकता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, रुको। ओह नॉट हिम। आपको दिखाए गई जैक है तेरे पास? आपको थोड़ी सी शर्म भी आ रही होगी, एक इलीगल $10 घंटा कमाने वाले से चेक मांगा जा रहा है। ओ तू दफा हो जा, तेरे मुंह कौन लगना चाहता है। मैं क्या बोल रही थी, इलीगल्स भी इंसान ही होते हैं ना, उनके भी तो राइट्स होते हैं। चल इतना सा मसाला बहुत है बात का स्वाद बनाने के लिए, पर तुम्हें मैं फीकी फीकी से एक बात बताऊं, आई एम सो सॉरी, जैक मेरे पास भी है नहीं। तो ऐसा कर, मुझे विंजल तक राइड दे। ओ ये क्या हो रहा, चल गेट लॉस्ट।
अरे नीचे उतरो। कैसे बंदर गया जैसे चढ़ गई ट्रक पे छलांग लगा के। तुझे सुनाई दे रहा है? 6 5 4 दाया हाथ सिर पे रख के खुजाओ थोड़ा। थोड़े दांत निकालो बाहर। अब खुजाओ तो। अब लग रही है पूरी बंदरिया। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में रहने से अकल नहीं आती। ऐसे धक्के धुके खा के बंदरिया बन के फिर अकल आती है। मुझे एक शादी में जाना है, प्लीज मुझे जल्दी पहुंचा दो। अगर एक शादी पे जाकर चाट पापड़ी और मंचूरियन नहीं खाओगी तो पतली नहीं हो जाएगी। वो अब क्या हो गया तुझे? वो लड़की बेचारी लिफ्ट मांग रही है ना, लिफ्ट ही है, दे देते। तू मुझे लेट करवा देगा? यार पीछे ही पड़ गया तू मेरे, लिफ्ट देनी है, घर थोड़ी लेके जा रहा हूँ उसको। हाँ जी कहाँ जाना है? Don't get smart with me. Get out of the van. क्या कह रही है, बीच में बैठेगी? कह रही है चुप करके गाड़ी से उतर जाओ नहीं तो वो गोली मार देगी हमें। उसके चक्की जी रिलैक्स। कौन से डॉलर यार, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? डॉलर तो तुझे देने होंगे। मैं बोल रहा हूँ इसका दिमाग खराब हो गया यार। कौन से डॉलर यार तेरे? मर के देगा या जीते जी? मेरे ख्याल से जीते जी देगा तो फायदे में रहेगा। यहाँ तो बातें ही बड़ी होती हैं, फायदा तो कुछ नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। मेरा तो गाँव ठीक था। तेजा के $3,00,000 दे जा के $3,00,000 कहाँ है बता? तेजा के $3,00,000 का है पता? भाई जी गुस्सा मत करो, नस चल जाएगी। इसको क्या होगा? चलो ये कुल्फी वाला तो भरी बंदूक वालों को बकर की तरह दबाए बैठा है, हमारे पास तो फिर भी खाली है। पैसा तो हाथ की महल है बाबू। चलो 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 जल्दी करो, पुलिस आ गई। चलो चलो जल्दी निकलो, पुलिस की गाड़ी आ गई। चलो 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 निकलो। क्या है ये, कैसे काम पकड़ के रखे हैं तूने? मैं तो तुझे बहुत शरीफ और मेहनती इंसान समझ रही थी। अगर सुनसान सड़क पर लड़की की मदद करना बदमाशी है तो यार हूँ मैं बदमाश। ओ मैं उस लड़की की नहीं उन गुंडों के बारे में बात कर रही थी जो तुमसे डॉलर मांग रहे थे। यार मुझे क्या पता कौन से डॉलर की बात कर रहे थे वो। हाँ चोरी करके रातों रात अमीर बनना था ना, ब्लडी क्रिमिनल। ओ हेलो, चोरी के पैसों से अमीर बनने का मुझे कुछ शौक नहीं। अच्छा 5 acres मेरे कुएं पे हैं और 2 acres नहर पे, 3.5 lakh की बासमती हुई, 50,000 की सब्जियां, सालाना इनकम 4 lakh rupees है। मेहनत से खेती करता हूँ, हक की खाता हूँ, करती है बड़ी बड़ी बातें। पैसे से अमीर नहीं बनता आदमी, नियत से अमीर बनता है, नियत से। हाँ ये शोर कहीं और जाके बचाना, मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हारी इस ट्रक में बैठ के। अब शर्म भी आ रही है तुझे? मुझे लगा सिर्फ जूड़ो कराटे आते हैं तुझे। तू ना मेरी मुंह लगने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों लगूं तेरे मुंह? तुम्हारे मुंह लगने के लिए मुझे ट्रक की छत पे चढ़ना पड़ेगा। तीसरी मंजिल पे मुंह लगा है तुम्हारा, ऊपर से छोटा सा नाक रखा उस पर। तुम्हें ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, मुझे शादी में छोड़ दे, दफा हो। जैसे हाथ पैर चलते हैं ना तुम्हारे, वैसे थोड़ा दिमाग भी चला ले। जहाँ शादी पे रही है कपड़े ऐसे डाले हैं जैसे ट्रैक्टरों के वर्कशॉप में मैकेनिक लगी होती है। यार फटी जींस पहनता है कोई? मैं शादी देखने नहीं तुड़वाने जा रही। अरे सुन मेरी बात। ये शादी करवाने वाला तो बिचौला हुआ, पर तुड़वाने वाला कौन हुआ? अरे पैसा तो बहुत बनता होगा इस काम में, मान जा। तूने जितनी जबान चलाई है तुझे थैंक यू बोलना तो बनता ही नहीं है, पैसा तो बनता है, मान जा। बेवकूफ।
चल हमारे पास कौन सा कम है पैसा। ये टायर को क्या हो गया यार। अरे तू मुझे पूछेगा नहीं मैं शादी तोड़वाने क्यों जा रही हूँ। तुझे लगता है मेरे दिमाग में खीरा लगा है। मैं क्यों पूछूंगा तुझसे। अरे जा यार अपना काम कर जाके। राजवीर वही लड़का है जिसके साथ मेरी एंगेजमेंट हुई थी पर मैंने शादी नहीं की उसे। फिर तो लड़का बच गया। अब तुम्हारा बदला लेना बनता है जा तू ले ले। नहीं तू भी मेरे साथ आ सकता है। तू फसलों की वो बीमारी है जो दवाई डालने के बाद फिर से घूम कर वापस आ जाए। अपना बिजनेस आप हैंडल करो। यू सक एट लाइफ हार्डकोर। अरे जा जा गेट लॉस्ट अदरवाइज आई पुट योर नोज इन द पाना एंड मेक द कोकरा। यही मुझे सुनाने वाली उसी में हो। मैंने लिफ्ट दी और मेरी ही चाबी चोरी। सत श्री अकाल। इसीलिए मैं शादी टूटने लगी है। नजारा देखने का मजा आएगा कि नहीं। ठंडा कोका कोला गरम गरम टूटती हुई शादी। लंबा सफर है थोड़ा एंटरटेनमेंट ही सही। चलो अरे ये कोका कोला ठंडा लेके आओ भाई। हां जी मुबारक हो। थैंक यू। क्या बात है बहुत घबराए हुए हो। एक लड़की बहुत जानी पहचानी लगती है। कौन सी लड़की जानी पहचानी लगती है। अरे आज तो तेरी अपनी शादी है लोगों की लड़कियां देखना छोड़ दे। अरे भाभी है वो तेरी। अपनी भाभी के पीछे घूमना छोड़ दे। ओ मेरी भाभी बैठी है चल उसके पास। ठीक है भाई नमस्ते। अरे किधर जा रहा है। भाभी तेरी वो बैठी है इस तरफ अपनी शादी में ही भटकता फिर रहा है। बिल्ली के जैसे उसके पीछे जाना छोड़। तेरा प्लान बता क्या है। प्लान है नहीं तुम्हारे पास। सुनना पड़ेगा। ओ सुनो कपड़े नहीं डाले। ये कुर्ता क्या पतंगों की दुकान से बनवाया है। पजामा भी ऊंचा है। नखरे मत कर जाके लोगों का दिल बहला। और सुन नाचना गाना आता है कि नहीं। साथी अपना तो से की उठना बैगी दूर की तैयार। ओ हीरो यहाँ शादी हो रही है आग नहीं लगी है। ये ले चल बड़ा आया सरदूल सिकंदर। तूने
किडनैपिंग? तेरा नाम क्या है? मैं जकी इंडिया से। तो तूने मुझे शादी से उठा लिया? तू पागल है? हिला हुआ है? ये मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानती है? मेरी बात, जिस लड़की से तू शादी करने जा रही थी ना, मुझसे पहले उसकी 2 बार शादियां हो चुकी हैं। मेरी बातों को झूठ मत समझना। मुझसे पहले राजवीर की 3 शादियां हो चुकी हैं। हाँ जी, चौथे नंबर की खिलाड़ी हो आपका तो कांस्य पदक भी बनता। चलो चलो चलो। नहीं, मेरी सिर्फ एंगेजमेंट हुई थी, पर जब मुझे राजवीर के बारे में सब कुछ पता चल गया, मैंने शादी से साफ इनकार कर दिया। उबर को आपका तो कांस्य पदक बन गया। चलो बैठो ट्रक पे। मतलब राजवीर मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहा था, मैंने सोचा ही नहीं था। अब बैठे ट्रक में। हमें कौन सी जल्दी पड़ी है ट्रक में बैठने की? जल्दी पड़ी है ट्रक में बैठने की। यार मेरे क्यों कोने मार रही है? 2 शादियां मैंने करवाई हैं। हेलो, तुम्हें क्या लगता है मेरी 2 शादियां हो चुकी है? भाई इसको लगता है जी मैं तो लश्कारा प्रोग्राम के चक्कर में फंस गया जी। मेरी बात सुनो, ये देख मेरी एंगेजमेंट की फोटो। झूठ बोल रही है, मेरी 2 नहीं 3 शादियां हो चुकी है। तेरी किस्मत अच्छी थी जो बच गई। और एनीवेज तुम सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सारी शादियां क्यों करता। मेरे मन से आवाज आई थी लश्कारा प्रोग्राम लंबा चलेगा। कुत्ते की तरह काम करते हो और बाद में मिलते हैं डॉलर 100 या 200। आसान तरीका है 30 या 40 लाख शगुन के तौर पर लो और पंजाब की लड़की से शादी कर लो, और उसके बाद फिर 2 साल, मेरे भाई 2 साल पूरे ऐश कर लो। असली नशा तब आता है, हाँ जी हाँ जी, जब कोई भोली भाली मासूम लड़की मिन्नतें करती है। राजवीर कंधे थक गए भाजी, सीट नीचे रख लो भाजी। बस नशा, उसका मजा ही कुछ और है। आई जस्ट लव इट स्वीट हार्ट। किल दिस इमोशनल फूल्स। ओके ओके ओके। भाभी जी उनके साथ भाग गई क्या? थैंक यू वाहेगुरु जी, थैंक यू सोनी, थैंक यू जक्की जी, तुमने सच में बचा लिया आज मुझे। हो गया थैंक यू, चलो नीचे उतरो। हाँ? अरे तुम्हारे चक्कर में मेरा थैंक यू हो जाना था? सारा गांव मेरी आस पे बैठा, मैं यहाँ पे लोगों की शादी तोड़वा रहा हूँ, दुल्हन है किडनैप कर रहा हूँ मैं। वाह, सफल किसान यहाँ गोलियों से बच रहा है। पर मैं अब कहाँ जाऊंगी जग्गी जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भाई मुझे माफ करो, मैं आइसक्रीम बेचता हूँ, मैंने कोई बुटीक का काम नहीं खोल रखा जो लड़कियों को ढूंढता फिरूं। ओ मेशी मोटर, चल नीचे उतर। अरे नहीं, मुझे सुनाई दे रहा है? नहीं नहीं नहीं, जानती नहीं जग्गी को, छोड़ मेरे बैग, मेरे बैग को फेंक दिया। मैं बोलता हूँ पीछे हट जा, मैं गाड़ी चढ़ा दूंगा मेरे ऊपर। ओ ये तेरा गांव नहीं है, सारी उम्र जेल में सड़ेगा। अरे जेल तो जट के ना निहाल होते हैं, डराना किसी और को। जब से ट्रक में बैठ गया तब से क्लेश पे क्लेश करे जा रही है, क्लेश पे क्लेश। ओ तेरी मजबूरी थी, तेरी ट्रक में बैठना तो दूर, तेरी जैसे की मुंह ना लगूं मैं। 8 घंटे लेट हो गया मैं, यही मनुष कहीं की। अरे साइड पे हो जा, कहीं राजवीर वाला काम मैं ना कर दूं यहां पे। तू मुझे मारेगा, देख मेरे क्या हाल करती। अरे तुम छोड़ो एक दूसरे को, साइड प्लीज, एक सेकंड। 10 6 5 4 3 2 1 पक मेरे पे। जग्गी जी एक सेकंड अपना हाथ दो। क्या हो गया तुझे? एक सेकंड अपना हाथ तो दो, एक बात करनी है। ओहो आप बात ही नहीं सुनते। जग्गी जी आपको इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल करो, थोड़ा सा। अच्छा अपनी आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, अब लंबा सांस लो, टेक अ डीप ब्रेथ, और थोड़ा और थोड़ा सा और। इसे लंबा नहीं ले सकता मैं। अच्छा ठीक है, अब अपने आप को थोड़ा काम करो, इजी, टेक अ डीप ब्रेथ, हाँ
अब आप धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे हाँ, अपनी आंखें खोलो। ताश का नाम शतकार है। तूने सफेद कपड़े क्यों पहन रखे? पहले तो तुझे कभी ऐसे देखा नहीं। आपने पहले कभी याद नहीं किया जग्गी जी। मदद नहीं करते। तुम कैसे मदद करते हो? भाई प्यार से, प्यार से, प्यार से। भेजती हूँ मम्मी, थोड़ा सा टाइम। जग्गी इंडिया वाला अभी भेजती हूँ। जैविक खेती में माहिर, जलंधर दूरदर्शन पर इंटरव्यू। दूध निकालने वाला किसान लोगों की औरतें निकालता फिर रहा है। पता लगा बिमला मैडम को, वो तो कहेंगे लड़का तो गया हाथ से। वेरी स्ट्रेसफुल जॉब। मॉम का फोन? हाँ, फोटो मांग रही होंगी तेरी और अपनी जमाई की, भेज दे। अब शादी के बिना घर भी नहीं जा सकती। यही हाल मेरा है। वैसे भी मौसा मौसी ने मुझे जाने नहीं देना शादी करवाए बिना। वैसे एक बात कहूं, लड़का तो ये भी बुरा नहीं है। कौन ये? जग्गी, आर यू मैड? बुरा नहीं, बहुत बुरा है ये। अगर बुरा होता ना तो हम दोनों को छोड़कर कब का चला जाता। लो और कर लो बात। बहुत हो गई यार समस्या। पर तेरे दिल में तो उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है ना। प्लीज, इसे शादी करने से पहले मैं कुछ खा के मर ना जाऊं। छी, ऐसे साफ दिल और सुंदर सरदार के लिए कुछ खाकर मरा जा सकता है। भाई मैं जा रहा हूँ कुछ खाने, जिसको भूख लगी वो आ जाओ। चल निकल। आप आराम से खाओ बैठ के, टैक्सी पकड़ के ध्यान से घर चले जाना, ठीक है? मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा। चलो, ओके। बहुत अच्छा लगा मिलके। पर अरे ठीक है फिर, हम मंगवा लेते हैं टैक्सी, पर फायदा तो कुछ नहीं होगा। राजवीर फिर से हमें पकड़ ही लेगा, और वैसे भी मेरे पास कैश नहीं है। हैं? तुझे बोला था लड़की को शगन पड़ जाने दे, इतनी जल्दी पड़ी थी तेरे को शादी तोड़वाने की वहाँ पे। चलो आओ, छोड़ देता हूँ आगे तक। अच्छा जग्गी जी, सुनो सुनो, मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, ऐसे तो हम जल्दी पकड़े जाएंगे। देखो, 1, 2, 3, 4, 5 पांच कपड़ों से सफर निकल जाएगा? नहीं, एक हैंकी और 2 नेल पॉलिश भी। मेरी तो मेहनत की कमाई ट्रक में पड़ी है भाई। वैसे तुम दोनों को एक बात रियलाइज करवाना चाहती हूँ कि मैंने इसकी शादी तुड़वाई है पर गोद नहीं लिया। अच्छा तो मैं हैंकी और नेल पॉलिश रहने देती हूँ, मैं मैनेज कर लूंगी। दीदी ने पहले भी खाने का बिल दिया था। थैंक यू। जल्दी करना यार दिल। दिल जो टाइम देखा है? अरे चल यार, मैं कहता हूँ दिमाग ही खराब है लड़कियों का। जो बात
मुझे ना पसंद बलिए, तू रहा कर वहां रजामंद बलिए, जो बात मुझे ना पसंद बलिए, तू रहा कर वहां रजामंद बलिए, तू जट की पसंद टोली लेके जाऊंगा, ना बदलूंगा जिंदगी में रंग बलिए, जो बात मुझे ना पसंद बलिए, तू रहा कर वहां रजामंद बलिए, जो बात मुझे ना पसंद बलिए, तू रहा कर वहां रजामंद बलिए। सबकी हलुकी है मित्रों की लुक पे, तुम्हारा हर हक होगा मित्रों के सुख पे, दुनिया की परवाह ना तू कर बलिए, अपनी बनाऊं तुझे हुक जाके रुक पे, जब लूंगा फिर तेरे संग बलिए, होगा खुशी में बाजार सारा बंद बलिए, जो बात मुझे ना पसंद बलिए, तू रहा कर वहां रजामंद बलिए, जो बात मुझे ना पसंद बलिए, तू रहा कर वहां रजामंद बलिए। सुगंध बलिए, जो बात मुझे ना पसंद बलिए, तू रहा कर वहां रजामंद बलिए, जो बात मुझे ना पसंद बलिए, तू रहा कर वहां रजामंद बलिए। ट्रक ट्रक विच आई नी ओ मैनू सुख नी जापदी। मुझे लगता है उसे हेल्प की जरूरत है। दिल जी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपके जज्बातों भरे दिल की, हम पहले भी इंसानियत के तौर पे गाड़ी रोक चुके हैं, समझी आप? हमने नहीं, तूने रोकी थी। देखो कैसे लिपटने को फिर रही है, ट्रांसफार्मर की नंगी तार जैसे। हाँ मैंने रोकी थी इंसानियत तौर पे गाड़ी, सामने से ऐसे गोलियां चली थी जैसे किसी शहर का पागल बच्चा काउंटर गेम खेल रहा हो। किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम भी तो हो सकती है, प्लीज रोक दो एक बार प्लीज। तू रहने दे, पिछली बार भी उसने रोक दी थी और हम लोग फंस गए थे। बहन जी कहाँ जाना है आपको? नीचे उतरो। हमारे पेशावर में कहावत है कि अगर दस्त लगे हो तो नारे में दो दो गांठ नहीं लगाने चाहिए, और अगर पीछे बंदूक हो तो सुंदर लड़कियों को देखकर लार नहीं टपकानी चाहिए। कर ली हेल्प, अब हमारी हेल्प पता नहीं कौन करेगा। बाबा जी पांच मसिया के साथ प्रसाद भी चढ़ाऊंगा, प्लीज मुझे बचा लो, इनको डिशू डिशू कर दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हसीन मंजर, सुहाना सफर, लाखों डॉलर और साथ दो दो दिलकश हमनशी। अबे तुझे तो यहाँ नहीं सऊदी अरब में होना चाहिए था। सऊदी अरब में इतने डॉलर नहीं बनते। अरे जो वहाँ इतने डॉलर नहीं बनते इसका मतलब ये नहीं कि तो सब रियाज खान के डॉलर्स पर कब्जा कर ले। अरे मैंने किसी के डॉलरों पे कब्जा नहीं किया यार। अरे बंदे आप तीन हो, नाम चार पांच गिना रहे हो, कंफ्यूज मत करो चाचा जी। ओए असलम रियाज खान सत्तरनाजी मेरा अकेला का नाम है, और ये सब तो मेरे चमचा लोगे। सुरमे वाले भाई तेरे को कहीं देखा है मैंने? नहीं देखा है ना। चलो ये अफसर नियाज सत्तर अली खान। ओए असलम रियाज खान सत्तर खान, ओए तूने तो मुझे ही भुला दिया यार। ओए चल छोड़, तू पठान चाचा बोल और बात आगे बढ़ा। पठान चाचा मेरे पास लाखों डॉलर तो है नहीं, मेरे पास 135 डॉलर है, $5 मेरे पास छुट्टे पड़े हैं देखो। है जी, बाकी तुम्हारी वो दिलकश वाली बात ज्यादा समझ नहीं आई, पर मुझे इतना सा पता लगा कि आपको ये जेलस है कि मेरे साथ दो लड़के हैं, पर ये कोई इतना बड़ा जुल्म नहीं है कि आप मुझे गोली मार दो। और तेरा जुर्म इतना छोटा नहीं है छोटे कि तुझे प्यार से छोड़ दिया जाए, कोई कुछ नहीं मानेगा इसका टांग। चाचा ज्यादा तैश में आने की जरूरत नहीं है, गोली हमारे पास नहीं है। ओए बकवास बंद कर, मैं अपना नाम का खौफ पैदा कर रहा हूँ। पठान चाचा मेरा तो कोई कसूर नहीं है, ये तो मुझे खुद किडनैप करके लेकर आया है, मैं तो पहले ही बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मैं जाऊँ प्लीज। तुम दोनों जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।
ओए ग्रुंडी सुनी, गोली चलेगी, अगर डॉलर नहीं मिली तो मैं 5 तक ही गिनूंगा, क्योंकि गिनती मुझे 5 तक ही आती है और बीच बीच में मैं भूल भी जाता हूँ। चाचा नौ, 1 से शुरू करो। मुझे उल्टी गिनती का शौक है। 4, 3, 2 चाचा मैं तेरे को बहुत जोर से बंदूक मारूंगा अगर तू मेरे को बंदूक ही मार दे। ओए पहले तू मेरे को बंदूक ही मार दे। कौन से जन्मों का लेखा देना था जो तुझे ट्रक में बिठा लिया मैंने? सारा ऑस्ट्रेलिया बंदूकें लेके मेरे पीछे ऐसे घूम रहा है कि जैसे मैं इनके कांटों का बच्चा लेके भाग गया हूं यार। वो कहना क्या चाहते हो इडियट? वो जो झोली में अपना बच्चा डाल के ना लंबी लंबी छलांग लगाती है ना यार। जग्गी जी वो कैंगरू होता है। हां वही। सुन अगर तू लोगों के लाखों डॉलर लेके भाग जाएगा ना तो बंदूक वाले पीछे पड़ेंगे ही ना। चोरों के साथ ना अक्सर ऐसे ही होता है। मैं उठा के वो पीछे आइसक्रीम वाले डब्बे में डालूंगा अगर मुझे चोर का। तो अच्छा जग्गी जी मुझे ट्रस्ट है कि आपने चोरी नहीं की, पर कोई रीजन तो होगा ना जो इतने सारे लोग आपसे डॉलर वापस मांग रहे हैं। नहीं यार मुझे 1.5 करोड़ गांव में देना है। 3 लाख डॉलर मुझसे तेजा मांग रहा है। ऊपर से पठान को भी मेरे से ही डॉलर चाहिए यार। यार मैं सबल किसान हूँ यार, वेस्टर्न यूनियन नहीं हूँ। ऑल आई नो इज मैं किसी लुटेरे के ट्रक में नहीं बैठने वाली। पता नहीं आइसक्रीम बेचने के बहाने क्या क्या बेच रहा होगा। बताऊँ तुझे मैं क्या बेचता हूँ? ये देख स्ट्रॉबेरी, ये देख पतीली, ये ले मैंगो खा रहे हो। मैं किसी रॉबर के ट्रक में नहीं बैठूंगी, लुटेरा कहीं का। वो पाप की गठड़ी। ओए ओए बन जाने दे उसका, कुछ बन जाने दे। 4 पैसे आ जाएंगे, जमीन आ जाएगी, शादी हो जाएगी उसकी, जिंदगी सफल हो जाएगी उसकी। जगी इसकी बातों में ना आना हो, डॉलर उठा चल मेरे भाई गांव को। हमें हमेशा जिंदगी में सफल होने के लिए सबर और संतोष के रास्ते पे चलना पड़ता है। क्या बकवास करता है तू? मैं अभी तुझे गुड्डों के नीचे लेके सबर संतोष निकाल दूंगा तेरा। बंदा बोल ना बोलिए, करतार ऊंडरिए। ये कहां से पल्ले पड़ गया मेरे संस्कारी? निकल यहां से, तेरी कोई जरूरत नहीं है मुझे। अरे जग्गी भाई अगर बॉर्डर पर जंग ना लगी हो तो सरकार फौज को घर नहीं भेजती, साथ रखती है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अरे तू रिटायरमेंट ले ले फिर, तुझे बोला ना निकल यहां से। वाह वाह क्या डिसीजन लिया है जग्गी जी, बहुत अच्छा किया है। तू भी निकल यहां से। अरे जा यार कहीं सत्संग कर जाके। यार 2-in-1 दिमाग खा गए मेरा। ओए चढ़ा दे रुक क्यों गया? सारी दुनिया गुस्से में फैल रही है। अरे क्या हुआ बहुत गुस्से में लग रहा है तू? जिसका घर बिक रहा हो वो तो गुस्से में ही लगेगा ना। जा अपना काम कर। This is trust
content reporting live from little angles often. The auction is now begun for the start day for the kids. टीटी क्या करता है? अगर खिलानी है तो खिला दे ब्रो। बोल भी टेढ़ा रहा है और कहता भी ब्रो है। कौन की हुई चीज लग रहे हो सरदार जी? बंदा सयाना है, सरदार के साथ जी लगाता है। What would you like, सरदार जी? ऐसे बात नहीं बनेगी, निकाल कोई मस्त फ्लेवर। मस्त फ्लेवर? कौन सा? कोक फ्रूट। कोक फ्रूट? हाँ, देख कोक फ्रूट। उठा कोक। ये चक्कर क्या चल रहा है यहाँ पे? जो आदमी हमारे ऑर्फनेज को फाइनेंस करता था वो तो आउट हो गया और उसके लड़के ने हमें आउट कर दिया। आज हमारे ऑर्फनेज की ऑक्शन है। नेक्स्ट नेक्स्ट Did you just donate all your money? हाँ, अरे जाओ जाओ, मुझे काम करने दो यार। थैंक यू। Where are you going? Where are you going? You are the ice cream man. बताऊँ मैं पूर गए? थोड़ा ट्रक के नीचे आ गया ना, शक्ल बदल जाएगी तेरी। तुझे पता ना कैसे लाल होती है? तुझे बोला ना भाग जा यहाँ से। मुंह तोड़ दूँगा तुम्हारा। अगर पीछे है ना तो देख लेना। Stop, please, one bite. Noble Sikh, noble Sikh. Sardarji. Welcome of the special edition of Sydney Herald. Help out the founder of Ferman. This colorful individual has been all over the news today. After all, his complete intervention to save orphanage has gone viral on internet today. Said to be a farmer from the glorious land of Punjab, India. And is being addressed as a noble Sikh, Sardar Ji. As a result, he's the savior, setting an example of human compassion. Sardar Ji. नहीं गया। किसकी बात कर रहे हैं आप? आइसक्रीम मैन। शुक्र है भगवान का तेरा टायर पंक्चर हो गया, नहीं तो मैं तुझे कहाँ ढूंढती। अगर तेरे किराए के पैसे कम हो रहे हैं तो मेरे पास भी नहीं है। जितने मेरे पास पैसे थे मैंने सारे खर्च कर दिए। पता है मुझे, जब से वो मनहूस मेरे ट्रक से उतरी है ना, भगवान का शुक्र है सब कुछ ठीक हो रहा है। मुझे भी ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तूने कपड़े देखे उसके? ना शूज की बेल्ट के साथ मैचिंग, इयररिंग्स की टॉप के साथ मैचिंग नहीं, और तो और नेल पेंट की किसी चीज के साथ मैचिंग नहीं। चलो मैंने मुंह पर नहीं बोला पर अंदर से तो फील होता है ना। मैं तो शुक्र करती हूँ कि मेरी शादी टूट गई, नहीं तो मुझे पूरी लाइफ गिल्ट फील होता रहता कि मेरी शादी पर कैसे कैसे लोग आए थे। ये कौन सा स्टेशन पकड़ लिया इसने? अब आपने भी तो कितनी अच्छी मैचिंग की हुई है कुर्ते की पगड़ी के साथ। और देखो लोग कहते हैं कि लड़कों को अक्ल ही नहीं होती मैचिंग की, ऐसे ही लड़कियों को ना अक्ल होनी बहुत जरूरी है मैचिंग की खासकर।
लगी आइसक्रीम। ओ कुल्फी वाले, मैं शादी वाला लड़का बोल रहा हूँ। अरे भाई मैंने कुल्फियों का काम छोड़ दिया। मुझे पता है जब शादियों में आइसक्रीम खत्म होती है तो लोग सबसे पहले दूल्हे का ही सेहरा फाड़ते हैं। पर मैं बहुत अफसोस के साथ बोल रहा हूँ कि मैं होम डिलीवरी नहीं करता हूँ आइसक्रीम की। डिलीवरी आइसक्रीम की नहीं, दिलजोत की चाहिए। इस वक्त सोनी मेरे पास है, मार डालूंगा इस सोनी को। राजवीर भाई साहब, अरे मार दो मार दो, मैं आपके साथ ही हूँ। अरे मैंने नहीं हंगामा किया था आपकी शादी में। अरे अगर मेरे पास रह जाती तो मैं खुद ही कीड़े मार दवाई देके मार देता इसको। तू पागल हो गया क्या? तेरे को लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये ले सोनी से बात कर। ओ मेरी बात सुन, अगर तू यहाँ आया ना तो एक बात याद रखना, तो तुम मेरे हाथों से भी नहीं बचेगा। पड़ा है। आवाज सुनी? आधा घंटा है तेरे पास। कौन है? क्या हुआ? गोली चल गई यार। पीछे ना देखो, तुम्हारी मंजिल आगे है। पीछे ना मुड़ो, तुम्हारी मंजिल आगे है। चाव मारो। देखो आ गया बड़ा सरदार जी। तूने मेरी बीवी को शादी से उठवाया था, अब तू सारी कोशिश करके देख ले। अब मैं दिलजोत के साथ ही शादी करूंगा और तुम दोनों की कब्र यहीं पर बनाऊंगा। भाई मंदा बोल ना करतारो, तेरी करतार वाली बात का मुझे पता है यार। मंदा बोल ना बोलिए, बंदे देख लो उधर कितना है, वो भी बंदूकें पकड़ी हुई हैं हाथ में। उन्होंने पहले हमारी पिटाई करनी है, फिर मार मार के यहीं दबा देंगे कहीं। जा जाके ट्रक में बैठ जा, दूसरे को भेज दे, जा भाग जा। अरे आ जा यार। अरे पागल हो गया सरदार। भाई साहब मैंने देखा सफर में थकावट बहुत हो जाती है सत्कार, यार मेरा उठने का दिल ही नहीं कर रहा आज। यार लड़ाई होने वाली है, हम तो रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हैं। ये सफेद कपड़ों वाला खड़ा है, इसको साथ ले जा। आ गया। ना यार ऐसे मत कर भाई, पार्टी बहुत सॉलिड है यार, मुझे मारेंगे यार। मेरे से दो दो काम नहीं होंगे, एक तो मार खाते रहो, एक हाथ जोड़ के खड़े रहो। अच्छा जब हम गाँव जाएंगे ना, बस वाले की पिटाई करेंगे, कंडक्टर को भी मारेंगे, ये मेरा वादा रहा तुमसे। नो चल मेले में जाके कुश्ती वाले को उठा उठा के मारेंगे। गुस्सा नहीं करना जग्गी जी, ये बात दिल के घर वाले को समझा दे जाके। जग्गी मैं जाकर बात करूं? मुझे लगता है ये आइडिया ठीक रहेगा, क्योंकि लड़ाई आप दोनों की है, मैं तो वैसे ही बीच में फंस गया, मैं तो पहले ही बहुत लेट हूं। तुम जाके बात करो। लड़ी आइसक्रीम मैन, कुल्फी वाले सरदार, ये बात भाई जी ने गलत कर दी है। आ गया। अथरा जी अब आप संभालिए, अब होगा बराबर का हिसाब। आ जा। अरे मारो। सरदार चाहे फौज में ब्रिगेडियर हो, चाहे गेटकीपर, सरदार चाहे कनाडा में मेयर हो, चाहे पंचायत के मेंबर, काबुल से लेकर कांगड़े तक के मालिक हो, चाहे 2 किले ठेके पर हो, सरदार चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कुल्फी बेचने वाला, सरदार के साथ जी जरूर लगा। सरदार के साथ जी जरूर लगाना चाहिए। चलो दीदी, बहुत हो गया ड्रामा।
मेरी तरफ क्यों देख रही है? मेरी बला से चाहे इसका सारा खून निकल जाए। हाँ तो फिर मैं भी क्या करूँ, मेरी भी ड्रेस ब्रांड न्यू है, तेरी वजह से मैंने हैंकी भी छोड़ दिया। बेटे मुंह गांव वाला तेरा, इनकी खातिर लड़ाई कर रहा है लोगों के साथ। Can I take a selfie with you? Can I take your selfie with you? Can I see the ice cream truck? Ice cream? Yes. Okay. Can you see the ice cream? Please. अतरा तो आया ही था, मेरा जी चाह रहा है तुम्हारे भी दो चार लगा ही जाता। वो ऑटो कर लेना अब। अंधेरा मत होने देना। हाँ बाय बाय, टाइम से घर चले जाना। वो बहुत हो गया, रेंट दो। तुम्हारी मंजिल यहाँ से 50 किलोमीटर यानी 1 घंटा दूर है। इतने मछले में पड़ने के बाद भी तुम्हारी मंजिल यहाँ से 50 किलोमीटर यानी 1 घंटा दूर है। कौन से मानून बन रही हूँ कि मैं इनके चक्कर में? मैडम ने तीसरी बार 1 घंटा बोल दिया। छोड़ो मैडम, ये तो दोनों बेकार है। इन बेकारों को कदर है काम की। अब चाहे रास्ते में DTO खड़ा हो, ट्रक नहीं रुकेगा। बस ओ जी, ओ जग्गी, फोटो आ रही है। हाँ आ रही है, आ रही है, दिख रहा है सब कुछ। और रूप कैसी है? ले आजा, बातें तो कर ले। मल्टी कलर परांदा, पैरों में जान जा। जग्गी आ रहा है ना मजा। रब्बा कितनी क्यूट लग रही है। अरे खुश किया फौजी, इस बार जब मैं गांव आया ना, तेरे को शरले वाली बंदूक ले दूंगा। देखा मेरा यार कितनी मेहनत कर रहा है गांव के लिए। वो तो दिख ही रहा है। डबल डबल मेहनत हो रही है। ओ ये तो मेहमान है, और रास्ते में इन्होंने लिफ्ट मांगी थी। अच्छा एक बात और, लड़कियां बहुत डीट है, ये उतरती नहीं। अरे उठो, वो ऐसे रही है जैसे ट्रक में इनका हिस्सा हो। ओ लेडी गागा, नीचे उतर के धक्का मार। हाँ, जा रही हूँ। मैडम उतरो। नहीं यहाँ पे इनके नखरे नहीं खत्म हो रहे। ओ शादी खत्म हो गई है तेरी। अरे मार धक्का, जोर से लगाओ थोड़ा। धक्का भी मुझे ही लगाना पड़ेगा जाकर। तुम्हें धक्का नहीं लगाना था? बता तो देना था कि लाहौर पिशौर साहब आए हैं। चलो अच्छी बात आ गए। चलो धक्के वाली टेंशन तो खत्म हुई। चलो लड़कियों हम ट्रक में बैठते हैं, चाचा जी धक्का लगाएंगे। किस धक्के की बात कर रहे हैं कुल्फी वाले? धक्का तो आज तुझको मैं देने आया हूँ, वो भी जन्म में। कोई बात नहीं, जब उम्र हो जाती है तो सुबह चिड़चिड़ा हो जाता है। आपको क्यों तकलीफ दे चाचा जी? ऐसा करो आप सब लोग अंदर बैठो, आओ लड़के हम धक्का लगाएंगे। इस बार तेरी कोई होशियारी नहीं चलेगी। चलेगी तो सिर्फ पठान चाचा की गोली चलेगी। गोली चलेगी? सुरमे वाले भाई, तुझे फिर मेरी बात पर गुस्सा आएगा। तू माने चाहे ना माने, मैंने तुझे कहीं देखा है यार। ओ यार क्या बकवास कर रहा है तू? जब मिलता है बस यही बात करता, मैंने तुझे देखा। अबे मैं कोई दो मुंह वाला कुत्ता हूँ जो तू मुझे देख के भूल नहीं रहा? अगर तूने अब बोला ना तो मैं तुझे खाली बंदूक मार दूंगा। क्या बात, मैं गांव से बोल नहीं आ सकता क्या? सफल किसान हूँ मैं फ्रॉम पंजाब यार, तुम्हारे जैसे मैं बंदूकों में गोलियां भर के नहीं फिर रहा। चाचा ही समझाओ यार। ओए उठा लेने दे, उठा लेने दे, उसके बाद इसको कंधे पर ही उठाना है। हेलो जग्गी बेटा, मैं नगमा आंटी बोल रही हूँ। बड़े चर्चे हैं ऑस्ट्रेलिया में तेरे, हर चैनल पे तेरी ही बात हो रही है। तुझे नोबेल सिख का इनाम मिला है ना? एक बात बता, तेरे पास इतने सारे डॉलर्स आए कहाँ से? आंटी घर आकर बताऊंगा। अरे मैं थोड़ी पूछ रही हूँ। 3-4 कोट वाले बाबू आए हैं गोगल शोगल लगाकर, वो पूछ रहे हैं मुझे। ये कौन से बाबू आ गए अब? तंग करे जा रहे हैं, दवाई डाल दी है ना, कोई कॉकरोच ना कोई मच्छर, फिर भी सोफे के नीचे घुस घुस कर पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। अड़ी जब मैं ट्रक छोड़ने आऊंगा सब कुछ बताऊंगा, किराया भी दे जाऊंगा। मैं फसाऊं यहां। नगमा आंटी भी ना बस। इधर
नगमा आंटी का लड़का है ना? कौन सी नगमा आंटी है? जिसका ये ट्रक है? बोलता क्यों नहीं है? और सुरचू, ये क्या कह रहा है? ये ट्रांसपोर्ट किसकी है? अच्छा, तो ये ट्रक नगमा आंटी का है जिसे ये चला रहा था। ये बात मुझसे छुपा के रखी। ट्रक की चाबियां कहां होती है? नगमा जानती है, जग्गी जानता है, या सिर्फ तू जानता था? जब ट्रक सीसीटीवी कैमरा में आया, जो ट्रक चला रहा था वो चक्की नहीं था, और जो आदमी ट्रक में से उतरा वो भी चक्की नहीं था, वो तू था। ओए सच सच बता, डॉलर कहाँ है? ना पूछो चाचा, तेरे आंसू निकल जाएंगे। मैं इसको गोली मार के बात ही खत्म कर रहा हूँ चाचा। अरे क्यों गोली बेकार करते इस जानवर को मार के? मुझे मार ही लेने दे चाचा। ओए भाईजान, तुझसे गोली चलेगी नहीं, क्योंकि इसमें एक भी कारतूस नहीं है। मैं चाचा समेत सबको मार सकता हूँ यहाँ पे। मेरा खाना पीना हराम हो गया तब से। अरे मुझे बताना था ना इसमें गोलियां नहीं है। ओए सच सच बता दे, डॉलर कहाँ है? ओ चाचा, मैंने तो घर के गैराज में रखे थे। अम्मी ने शायद गलती से उठा के ट्रक में रख दी है। अब तू बता डॉलर क्या है? मैंने बच्चों को दे दिया वो। बाबा बहुत बड़ा काम किया। क्या बात है तेरी, क्या कहने तेरे दानवीर करण के? और तेरा कहीं दिमाग तो नहीं हिला है? सारे पैसे बच्चों को दिया आया। उनको जरूरत ही मैंने दे दिए। कभी कमा लिया तो कभी गंवा दिया, बस सारी उम्र इसी जद्दोजहद में निकल गई। अब तो खा लिया तो अपना वतन भी नहीं जा सकता। कोई बात नहीं चाचा, तुम शहर भी देखोगे और घर भी जाओगे। क्या मुंह लेके जाऊंगा? अरे यही मुंह लेकर जाओगे, जब डॉलरों का बैग गंदे पर होगा तो यही मुंह अच्छा लगेगा। मुझे 5 लाख डॉलर मिल रहे हैं, थोड़े तुम भी ले लेना। चलो लगाओ गाड़ी, पीछे आ जाओ। अरे उठो अब, पहले कितनी आग लगी थी, अब बोल रहा हूं तो उठता नहीं है। तुम्हें अलग से समझाना पड़ेगा। अरे आ जा लेडी गागा, आ जा बैठो ट्रक में। चल मेरे भाई, अच्छे बंदे, माला के बंदे, चल गाड़ी चला। अच्छा जग्गी, जग्गी तुझे 5 लाख डॉलर कहाँ से मिलेंगे? और तू क्यों पूछ रही है? मत पूछो, वैसे ही बैड लक शुरू हो जाएगा। तुम्हारी मंजिल से 5 किलोमीटर दूर रह गई है। ओ तेरी, अब सुनो, 5 लाख डॉलर कहाँ से आ रहे हैं बताओ? हेलो अंकल, टाइम से फोन किया करो, हमें भी सोना होता है। शेरी चल बोल नीचे रख, डांट खानी है तूने? आपने किससे बात करनी है? ओ जग्गी, मैं विक्की बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक फार्म से। पहचाना नहीं? जिन प्लांट्स में तूने अपनी बनाई हुई देसी खाद डाली थी ना, उन प्लांट्स ने 3 टाइम ज्यादा फसल पैदा की है और मुझे 5 लाख डॉलर्स का फायदा हुआ है। अरे तेरी बनाई खाद तो पॉपुलर हो गई है पूरे ऑस्ट्रेलिया में। लॉन्ग फोर्ज के 100 फार्मर्स ने इसी खाद का इस्तेमाल करके 3 टाइम ज्यादा प्रॉफिट कमाया है। इन पैसों का असली हकदार तो तू ही है भाई। मैं हकदार हूँ? गोरों को पसंद आ गई मेरी खाद? देखिए भाई, ये जो 5 लाख डॉलर है, ये पंजाब का 1.5 करोड़ बन जाएगा। अरे बन जाएगा पगले, बन जाएगा। अच्छा तू एक काम कर, सब छोड़ और एड्रेस नोट कर पहले। हाँ जी, मैं अभी करता हूँ। C496 लॉन्गफोर्ड। लॉन्गफोर्ड, वो बड़ा प्रोग्राम रखा है, आना जरूर भाई। हाँ जी भाई, मैं टाइम से पहुंचाऊंगा। ठीक है, सत श्री अकाल। हाँ जी, हाँ जी भाई, सत श्री अकाल। तुम्हारी मंजिल यहाँ से राइट मुड़कर सिर्फ 100 मीटर दूर रह गई है। Oh my God!
मुबारक हो, आप अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हो, मुबारक हो। सोनी, यहाँ तो दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा। चाचा, मुझे लगता है जग्गी के साथ किसी ने मजाक किया है। तूने सामान वान पैक कर लिया ना? आ रहा ना तू जल्दी से? यहाँ हमने गांव वालों को खबर कर दी है। सब तेरे आने की राह देख रहे हैं और हमने भांगड़े का भी प्रबंध किया है। बस तू जल्दी आ जा। बब्बू यार, ज्यादा इंतजार मत करो भाई। मैं पैसे पूरे नहीं कर पाया यार। तू आई नहीं दे रहा है? जमीन चली जाएगी बब्बू, पैसे का इंतजाम नहीं हुआ यार। मैंने तो सारा काम कर लिया है। कुछ नहीं बचेगा। हौसला रख मेरे बच्चे, अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ओए पगले, तुझे पता नहीं कि तूने मेरी जिंदगी नहीं मेरी सोच भी बदल दी है। पठान चाचा वापिस अपने वतन जा रहा है, खूबसूरत पाकिस्तान। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। चलो यार, अपने वतन को चलो। जग्गी, अब जो भी करेंगे ना, साथ मिलके करेंगे। हाँ जग्गी। अगर इसके पास ट्रक की एक्स्ट्रा चाबी थी तो मेरे साथ तेरी शादी में क्यों आया? मेरे लिए तो आया नहीं था, तेरे लिए आया होगा। दिस इज योर फाइनल ऑर्डर सर, वुड यू लाइक एनीथिंग एल्स? ओ यार फरनेल ले आ जाके यार। ओके गर्ल्स, गोइंग एज यू नो पार्टी एरिया? नो मैम, वी जस्ट नीड अ लिफ्ट टू द बस स्टैंड। यू नो ही इज द रिचेस्ट फार्मर अराउंड एंड यू नो व्हाई? बिकॉज़ एवरी फार्मर अराउंड हियर has used this homemade manure to produce plants, and farmers have made a big profit. This is my contribution. Roger, this is our contribution. क्या तू भी वो ही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ? Stop, stop, stop! हो रहा है जग्गी का ट्रक। उस पार्टी में बहुत पैसे होंगे, जग्गी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, ऐसा करते हैं, उसका ट्रक लेके चलते हैं, तब वो पीछे से जरूर आएगा। यार उसका कोई भरोसा। ट्राई तो कर ले, पर ट्राई कर ले। चल चल। ओए! आजा आजा। To remain silent. Keep your hands where I can see them. We don't have the authority to shoot, but there just might be an accident. Now we'll read out the laws of this great country of Australia. Hey, don't get up. Shoot! Don't run! Otherwise I will shoot!
थैंक यू। अच्छा तो ये बात है, ऐसे चलता है प्रोग्राम, सारे पैसे बैग में डाल रहे हैं। जल्दी कर, हाँ तू बैग ढूंढना फटाफट, जल्दी कर ना, एक खाली कर, जल्दी कर, ये ले मैं पैसे निकालती हूँ तो अंदर डाल दी जा, जल्दी कर। ट्रक बाहर खड़ा है ना, अगर यहाँ पे तूने चोरी की नाम मेरा लगेगा। जो पैसे चोरी किया वो वापस रख दो। कहाँ है पैसे? इसके दिमाग की मोटर खराब हो चुकी है, इसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार लड़की हो, ऊपर से तूने कुकरी कोर्स किया है, किया ना? हाँ। जो पैसे हैं वो वापस रखो और तुम दोनों मेरे साथ चलो। ऐसे मुझ पर प्रेशर मत डाल, ऐसे तो मैं बता ही दूंगी कहाँ रखे हैं डॉलर। ये पैसे हमारे नहीं है, बैग छोड़ दे। जग्गी छोड़ इसको, मैं कह रहा हूँ पंजाब मैंने जाना, तुम दोनों ने नहीं जाना, छोड़ो बैग, मैं फंस जाऊंगा यहाँ पे। अरे जिद ना करो यार, ओ मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुन लो वरना जल्द से मुझे पंजाब नहीं जाना। डॉलर यहाँ है, छोड़ दो उसे। क्या कहा? ओह माय गॉड, इट इज फेल डाउन। अरे आया कहाँ से? ओह माय गॉड, कुछ हुआ तो नहीं इसे? क्या हाल है जग्गी? तू किधर से क्रैश हुआ? विक्की भाई, सारे कब से तेरा वेट कर रहे हैं यार। विक्की भाई, जो आपने एड्रेस दिया था वहां तो आसपास कोई भी इंसान नहीं था, मेरा तो दिल्ली बैठ गया था भाई साहब। मैंने सोचा कुएं वाले विक्की भाई ने मौके का बदला ले लिया। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, पर एड्रेस तो मैंने तुझे ठीक दिया था। चार सौ छियासी लॉन्ग फोर्ड। चल कोई नहीं, आ जा, कम ऑन ब्रो, आ जा। ओ आ जा, शर्माता क्यों है? आ जा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। यहाँ आओ भाई मेरे, लेट मी इंट्रोड्यूस यू द गाय बिहाइंड दिस एंड दिस, द चीफ गेस्ट फॉर हूम वी आर ऑल वेटिंग फॉर, मिस्टर जग्गी। Request my wife Harpreet to get all the contributed cash which only belongs to Mr. Jaggi. Now I would like to request Mr. Jaggi to share his experiences with you all guys. नहीं नहीं रहने दो भाई। वो आजा, शर्माता क्यों है? आजा।
अपने ही लोग हैं। बोल बोल, वो तू तो हीरो है इनका। ससिकल फार्मर्स, मायसेल्फ जगी कुए वाला सफल किसान फ्रॉम पंजाब। इंग्लिश सो हिंदी ऊपर से हो जाती है, मीन्स हिंदी ओवरफ्लो। धन्यवाद जी, आप सबको खाद पसंद आई। आप सोच रहे होगे कि जगी कितना विद्वान है जिसने खाद की खोज कर डाली, पर आपसे क्या छिपाना, असल में ना तो मेरा काम मेरे गांव वालों को पसंद आया और ना ही ऑस्ट्रेलिया में कोई पसंद करता है। पर दूसरी तरफ खेती बाड़ी का प्रयोगों की बहुत रेल बना रखी है जी। मेरा गांव, मेरा खेत वाले बिमला मैडम जी भी मेरे इस बात के फैन है। मेरे गांव आए थे, मुझे ट्रॉफी भी दी, कहते थे कि जगी तू बड़ा होकर जरूर कुछ बनेगा। दुनियादारी के बारे में मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, पर इतना जरूर जानता हूँ कि किसान का हर सुख दुख उसकी फसल के साथ ही जुड़ा हुआ है। फसल बोकर ही ससुराल जाने का समय मिलता है। फसल कटी हो तो साडू के लड़के की लोहड़ी देखी जाती है। अगर फसल मंडी में डाल दो तो शादी जैसी खुशी मिलती है, और अगर फसल का भाव मिल जाए तो लड़का पैदा होने जितनी खुशी होती है। और फसल के सूख जाने पर या बाढ़ आने पर ऐसे लगता है कि जैसे सांस ही बंद हो गई हो। फसल के बर्बाद हो जाने पर किसान को जान नहीं देनी चाहिए, बल्कि और मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि फसलों की रुतें तो दोबारा लौट आती हैं। गया हुआ इंसान दोबारा वापस नहीं आता। किसान को सोचना चाहिए उसका बेटा एक और भी है। जैसे फसलें किसान के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही एक बेटा अपने बाप के बिना नहीं रह सकता। मैं सबको ये कहना चाहता हूं कि फसलों से भी प्यार करो और अपने परिवार से भी उतना ही प्यार करो। लव योर फैमिली। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। आपने पहली तालियां बजा दी। चलो अगर बजा ही दी तो बात खत्म कर देता हूँ। वैसे ये मत समझना कि जग्गी के पास बातें खत्म हो गई। बातें तो मेरे पास इतनी है जी, रूप और प्रीत भी हैंड्स अप कर देती हैं। रूप, प्रीत भाई बफेलोस, समय की कमी होने के कारण मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर वो रकम जो मेरी है मुझे मिल जाए तो मैं अपने गाँव निकल जाऊंगा जी, क्योंकि मैं, मुझे अपनी जमीन बचानी है जी। मेरे गांव वाले मेरी राह देख रहे होंगे। शाबाश मेरे शेर, जा गया तू तो। वेल डन। यही पैसे हैं वो? Oh yes, thank you. I feel proud to give all cash to Mr. वाह सरदार जी वाह, कमाल कर दिया। $3,00,000 उठा के यतीम बच्चों को बांट दिया और वाहवाही लूट ली, बन गया नोबल सिख। तुझे क्या लगता है तेजा से बच के तू यू ही निकल जाएगा? कभी हाँ कभी ना, डर गया। सीप कोई
आखिरी इच्छा है। मेरा गांव जाने को दिल कर रहा है। पूरी बात सुन पहले। मैं कह रहा हूँ कि कोई आखिरी इच्छा है तो भूल जा। पहले ही मेरे पास आदमी कम है और काम ज्यादा है। अगर तेरी कोई आखिरी इच्छा है तो बोल, क्योंकि मेरे पास आदमी भी ज्यादा है और कोई काम भी बहुत ज्यादा नहीं है। पठान तू ओए कुश्ती से पहले हार जाने वाले, कहते जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ, और जिसने पेशावर नहीं देखा ओए नीचे फेंको अपने खेल खिलौने। पहले नीचे है चाचा। टैक्स यहाँ डालने के लिए इन्वेस्टमेंट की थी हम दोनों ने, और मालिक बन बैठा तेजा अकेला। तू निकाल मेरा हिस्सा। तेजा से हिस्सा निकालने के लिए शेर का जिगर चाहिए। हिम्मत है? चला गोली चला। जरूरी नहीं कि बात बात पर गोली चलाई जाए, बैठ कर भी बात हो सकती है। अरे है औकात, चला गोली तू। ओए तुझे फिर पठान चाचा की औकात का नहीं पता? जब मैं तेरी खोपड़ी में छेद करूंगा ना, तो तू बैठ के सोचेगा ये अंदर अंदर बारिश कहाँ से आ रही है। पर करे क्या, हमारे पास तो कारतूस ही नहीं है। ये हुई ना बात। खुशी हुई सुनकर, कारतूस बिना असला और दूल्हे बिना बारात किसी काम के नहीं होते। खड़ा करो सबको लाइन में। तो खड़े हैं जग्गी, क्या ये हम सबको गोली मार देगा? अगर उसको गुस्सा दिलाओ तो उसकी गर्दन अकड़ जाती है। तेजा जी शर्म करिए कुछ, आप कहाँ के डॉन हो? ये 400 रुपए के स्पोर्ट शूज पहनने वाला गवार तुच्छा सा आदमी। तुम दिला गुस्सा से। तेजा जी आदमी तो आप ऐसे इकट्ठे करते घूम रहे हो जैसे कोई प्लेन हाईजैक करने वाले हो। पकड़ना तो इस गरीब कुल्फी वाले को ही है। बताऊं तुझे कुल्फी वाला? मैं बताता हूँ तुझे। बराबर का हिसाब। गुस्सा नहीं जग्गी जी, सच बताऊं भैया जी, मुक्का तुम्हारे मुख मंडल पे लग रहा है, चोट मेरे दिल पर लग रही है। सच मानो तुम बताओगे मैं कौन से कुएं में कूदूं? मुझे मुक्का मारना है या सॉरी बोलना है? अरे वो भक्ति लहर, साइड में आ जा। लड़के को छोड़ने का क्या लेगा? कौन सा लड़का अथरा जी? जग्गी को। यही सवाल मेरे पास भी आपके लिए, क्या लोगे आप जग्गी जी को छोड़ने का? दुनिया जूते से चलती है, देख रहा है ना? दुनिया का क्या है अथरा जी, दुनिया तो प्यार से भी चलती है। तू बिल्कुल ठीक कह रहा था पठान, खून खराबे में कुछ नहीं रखा। हम बैठकर बात कर सकते हैं। कर, अब कर जो भी बात करनी बैठकर कर। ले पकड़ डॉलर और कारतूस खरीद लेना। शुक्रिया, अच्छा किया तूने पेशावर नहीं देखा। मुझे बुद्धू बना दिया। रंचू ये थैला पकड़, अपनी अम्मा को कह देना कि कुल्फी की तरह डॉलर को भी जमा ले। तेजा तेरा खोल लूंगा मैं, भेजा।
अरे ना कर लड़की, ऐसे घर चली जा अपने। अरे क्यों झगड़ा कर रहा है बच्चे, तेरी तो उम्र भी नहीं है। कैच द डैम सरदार। सरदार जी मंदा बोल ना बोलिए। तू ठीक कह रही थी, लड़का तो सच में अच्छा है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। कुछ खाकर मर जाने जैसा। तुझे मरने की क्या जरूरत है, तेरी तो लाइफ सेट है। जग्गी और मैं दोनों रोड के लेफ्ट और राइट साइड में हैं, जो कभी भी नहीं मिल सकते। मिल नहीं सकते तो क्या हुआ, इकट्ठे चल तो सकते हैं। नहीं, मुझे पता है जगी तुझे पसंद करता है। पसंद तो करता है, प्यार पता नहीं करता है कि नहीं। तू भी ना, जिस लड़के को मैं पसंद करती हूँ तुझे भी वही लड़का पसंद आता है। इस बार मैंने सैक्रिफाइस कर लिया, आगे से नहीं करूंगी। आ गया देखना, जिसका नाम पहले लेगा ना हाँ। मतलब प्यार उसी से करता है। ठीक है ना। रूप और प्रीत मुझे देख के बहुत खुश होंगी, हमारी जमीन भी बच जाएगी। अब तुम दोनों का धन्यवाद यार, अगर कुछ कम ज्यादा बोल दिया तो माफ कर देना यार। मिलके बहुत अच्छा लगा। पंजाब आए तो गांव जरूर आना, बुलेवाल खुर्द। हाँ डाकखाना पायल, धन्यवाद। सरपंच साहब, जो बिना मतलब के उसके इंतजार में इस खाली सड़क की तरफ झांक रहे हो है? अरे बाहर गया बंदा भी कभी लौट कर आया है? ओ मुझे तो लगता है कि ये जग्गी ना किसी होटल वोटल में बर्तन धो रहा होगा। उसको तो पता नहीं दो टाइम की रोटी भी मिलती होगी या नहीं, और ये बेवकूफ इंतजार कर रहा है 1.5 करोड़ रुपए की। अरे वो भंगड़े वाले इधर आ, ये पकड़। चलो भाई, चलो भाई, जाओ 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 जाओ, निकलो। हेलो, हाँ जी सुनो भाई, जैसे कि सबको पता ही है, खुर्द वालों को 1.5 करोड़ रुपया इकट्ठा करने के लिए 6 महीने 7 दिन की मोहलत दी गई थी। इसकी मियाद पूरी हो चुकी है, बस 1 मिनट और 10 सेकंड बाकी है। इसलिए नहर वाली जमीन जो जग्गी कुएं वाले के नाम पर थी, उसकी मलकियत अब इनके नाम है। कोई नहीं आएगा, उतार दो, गिरा दो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
जग्गी, इसको संभाल ले यार, ये तो रो रो के पागल हो रहा है। ये नालायक तो पहले से आता था। ओ जग्गी जग्गी जग्गी, तो ठीक कहता था, सही फैसले तो दिल से लिए जाते हैं, दिमाग से तो सिर्फ व्यापार किया जाता है। किलो थोड़े ज्यादा ही होंगे। इतने रुपए? डॉलर। जट और मूछ दोनों ऐसी चीज है सरपंच साहब, जो चढ़ती उम्र में आ जाए तो आ जाए, नहीं तो सारी उम्र नहीं आती। हाथ ही तो भी ताया ये तो भी ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, कनाडा अमेरिका से तो आ रहे हैं अभी। और इंसानों वाली बात तो ये है थानेदार, जिस गांव में बेइज्जती हुई हो ना, उस गांव की तरफ दोबारा मुंह नहीं करते। कणक दी राखी मुंडिया हुण मैं नहीं हो पैंदी। हांजी कोई हैलो हाय बुलाएगा मुझे, कोई या नहीं बुलाएगा? रूप कौरे इतना गुस्सा करने वाली बात नहीं है, वो प्रीत भी तो समझती है मेरी बात। है ठीक है फिर। ओ मैं ऑस्ट्रेलिया की सीआरपी को मुक्के मार के आया हूँ। किसके लिए? अरे तुम दोनों के लिए पागलो। प्लीज पुट योर हैंड्स वेयर आई कैन सी देम, कीप देम इन द एयर, एनीथिंग यू से विल बी कैन एंड यूज्ड अगेंस्ट यू, यू आर इन द रेस्ट, यू कमिंग विद अस फॉर इंटरोगेशन। हैव यू एवर सीन पेशावर? नो। अच्छा किया नहीं देख। जवान हो गया लड़का, संभाल लेगा जगी अब। फ्रीज। ये मार दूंगा मैं। ये थोड़ी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है, मुझे लगता है जग्गी जी और आप संभाल लोगे, मैं चलता हूँ। स्टॉप स्टॉप, पुट योर गन्स डाउन, टॉक टू योर बॉस। जग्गी मैंने इनके बॉस से बात कर ली है, ये तुझे किसी भी केस में अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, ये तेरी हक की कमाई है, तुझे ही मिलेगी। सॉरी यार। इट्स ऑल राइट। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू, मामला सब सुलझ गया।